Hey guys, welcome back to my channel लखनवी श्वेता, and it's me श्वेता. I hope that you are doing great. आप लोग सोच रहे हो मैं ऐसे ही बैठी हूँ. एक्चुअली मैं कुछ चैलेंज वीडियो के लिए तैयार हो रही थी. लास्ट टाइम आपने जैसे देखा होगा कि मैंने ब्रश चैलेंज किया था, उसी तरह मुझे एक और चैलेंज के लिए तैयार होना है. तो मैंने सोचा कि मैं रेडी हो रही हूँ तो आप लोग के साथ ये लुक जरूर शेयर करना चाहिए मुझे, क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा डिफरेंट होने वाला है. मुझे कोई आइडिया नहीं कि किस तरह से टर्न आउट होगा. ना तो मुझे मेकअप का आइडिया, ना ही मुझे ड्रेस का आइडिया. ये मैंने अपने पापा की शर्ट टपा ली है एंड मैं मिक्स एंड मैच करके कुछ तो करने वाली हूँ. तो आपको भी अगर कुछ नहीं पता कि इसमें क्या हो रहा है तो आप लोग मेरे साथ एंड तक जरूर बने रहो. आप लोग को भी आइडिया हो जाएगा कि आखिर कैसा निकल के आता है. सो अब ज्यादा बकबक ना करते हुए शुरू करते हैं. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. मेकअप स्टार्ट करने से पहले मैंने अपनी स्किन को और लिप्स को बहुत अच्छे से मॉइस्चराइज़ किया हुआ है, तो आप भी ज़रूर मॉइस्चराइज़ करें. एंड देन मैं यहाँ पे प्राइमर यूज़ कर रही हूँ. अपनी चॉइस का कोई भी प्राइमर यूज़ कर सकते हैं, बहुत ज़रूरी होता है स्पेशली जब आप हैवी मेकअप कर रहे हैं. तो नेक्स्ट मैं यहाँ पे अप्लाई कर रही हूँ मेबेलिन फिट मी का फाउंडेशन. गाइस कुछ प्रोडक्ट्स मैंने ऑनलाइन परचेज किए हैं कुछ स्टोर से, तो ऑनलाइन परचेज के हुए प्रोडक्ट्स के जो डिटेल होगा, लिंक होगा, आपको मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगी. और जो स्टोर से परचेज किए हैं कोशिश करूंगी कि उनका भी डिटेल आप लोग के साथ में शेयर कर दूँ. फाउंडेशन अप्लाई करने के बाद इट्स टाइम फॉर ब्लेंडिंग. मैं यहाँ पे ब्लेंडर यूज़ कर रही हूँ. अगर आपके पास ब्लेंडर नहीं है तो यू कैन यूज़ ब्रश ऑल्सो. नेक्स्ट आई एम गोना अप्लाई कंसीलर. अगर आप हेवी लुक चाहते हैं और बहुत अच्छा कवरेज आपको चाहिए तो यू शुड अप्लाई कंसीलर. यहाँ पे मैं कंसीलर अंडर माय आईज, ब्रिज ऑफ द माय नोज एंड अराउंड माय माउथ एंड फोरहेड, इन सब एरियाज पे मैं थोड़ा सा अप्लाई करूँगी, जिसकी वजह से ये एरिया थोड़ा हाईलाइट हो जाएंगे एंड फुल कवर रहेगा, जो कि थोड़ा सा डिस्कलरेशन इशू है यहाँ पे, तो अच्छी तरह से कवर भी हो जाएगा. और इसे हमें बहुत ही अच्छी तरह से ब्लेंड भी कर लेना है. बेस कंप्लीट हो जाने के बाद नाउ इट्स टाइम टू क्रिएट अ स्ट्रक्चर ऑन आर फेस. तो इसके लिए मैं मेबेलिन फिट मी का डार्कर, थोड़ा सा जो डार्कर शेड होता है वो अप्लाई कर रही हूँ एज अ कॉन्टोर, जिससे मैं अपने चीक्स पे, नोज पे, जहाँ जहाँ एरियाज में मुझे कॉन्टोर करना है अप्लाई करूँगी एंड देन बहुत ही अच्छी तरीके से ब्लेंड कर लूँगी. हमने बहुत सारा यहाँ पे क्रीम प्रोडक्ट अप्लाई किया है और क्रीम प्रोडक्ट बहुत जल्दी क्रीज हो जाता है, तो नाउ इट्स टाइम कि हम यहाँ पे पाउडर प्रोडक्ट अप्लाई करें क्रीजिंग को कंट्रोल करने के लिए. मैं यहाँ पे कॉम्पैक्ट यूज़ कर रही हूँ अपने अंडर आइज़ पे एंड अपने स्माइल लाइन्स पे सबसे ज़्यादा, क्योंकि वहाँ पर बहुत जल्दी क्रीजिंग होती है एंड देन पूरे फेस पे. बेस मेकअप कंप्लीट होने के बाद नाउ इट्स टाइम टू फिल आर आईब्रोज. यहाँ पे मैं बहुत लाइट हैंडेड अपने आईब्रोज को फिल करती हूँ. सबसे पहले हमें अपने आईब्रोज को डाउन टू वर्ड कोम्ब करना है, देन जो गैप्स होते हैं उन्हें फिल करना है एंड देन अपवर्ड पे कोम्ब कर देना है. इससे आपकी जो आईब्रोज होती हैं बहुत नेचुरल लगती हैं. आईब्रोज कंप्लीट हो जाने के बाद मुझे अपना आई मेकअप क्रिएट करना है. मैंने यहाँ पे प्लान किया कि मुझे एक सॉफ्ट स्मोकी लुक क्रिएट करना है, तो इसके लिए मैं काजल अप्लाई करूँगी अपने वाटर लाइन पे एंड देन फिंगर के हेल्प से उसे बहुत ही अच्छे से ब्लेंड कर लूँगी, सो देट कुछ भी हार्श लाइन ना रह जाए. सॉफ्ट लुक क्रिएट करने के लिए मुझे जो क्रीज लाइन है उसको और ज़्यादा डिफाइन करना होगा और ज़्यादा सॉफ्ट करना होगा. उसके लिए मैं ये वेट एंड वाइल्ड का जो डार्कर शेड है फ्लफी ब्रश की हेल्प से अपनी क्रीज लाइन पर बहुत ही अच्छे से ब्लेंड कर लूँगी. मेरा 50% आई मेकअप हो चुका है, लेकिन अभी मुझे थोड़ा सा ड्रामेटिक लुक क्रिएट करना है, तो इसके लिए मैं एक विंग लाइनर ड्रॉ कर रही हूँ. इट्स कम्प्लीटली ऑप्शनल. अगर आपको नहीं पसंद है विंग लाइनर तो आप एक नॉर्मल लाइनर भी ड्रॉ कर सकते हैं. Thank you.
चैलेंज वाला वीडियो अगर आप लोग नहीं देखे हो तो मैं यहाँ आई बटन में इधर या इधर आई बटन में दे दूंगी, आप लोग देख लीजिएगा। और अगर आप लोगों ने देख लिया तो ये वीडियो भी आप लोग देख लीजिए, और मे बी आप ये वीडियो पहले देख रहे हो, आई डोंट नो। तो चलो अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। प्लीज मुझे कमेंट करके जरूर बताना कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। आई विश, आई होप कि आपको अच्छी लगी हो, और अच्छी लगी या नहीं लगी या क्या लगा, जो भी लगा मुझे कमेंट करके जरूर बताना। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय गाइस, ठीक है, लव यू ऑल, बाय।